बढ़ते आगे और अब बात करते हैं बिहार की। देखिए अब की बार कहां है नीतीश कुमार, यह बड़ा सवाल है। सियासी मजबूरी या रणनीतिक दूरी, यह दूसरा बड़ा सवाल है। बिहार में पीएम मोदी की दो जनसभाओं के मंच पर सीएम नीतीश नहीं दिखे तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। जमुई और नवादा में नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ नजर आए, लेकिन इसके बाद पूर्णिया और गया की रैली में पीएम मोदी के मंच पर नीतीश नहीं थे। अब आरजेडी इसको लेकर तीखा तंज कर रही है और सियासी गलियारे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार की सियासत में ये सवाल गर्माता जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि पीएम मोदी की पूर्णिया और गया वाली रैली के मंच पर सीएम नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। इसे लेकर आरजेडी लगातार एनडीए पर तंज कर रही है। आखिर क्या कारण है कि दो नेता अभी साथ में आए हैं और मंच साझा नहीं कर रहे हैं? इनकी सरकार होती तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को मंच पे जरूर बुलाते, क्यों नहीं बुला रहे? आरजेडी का आरोप है कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच की केमिस्ट्री फिर से ठीक नहीं और शायद इसी वजह से मोदी के मंच से नीतीश गायब दिखने लगे हैं। शायद हमको लगता है कि उस दिन वो 400 के जगह वो 4000 बोल गए, माफी मांगना पड़ा पैर छू के प्रधानमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी को, शायद कारण यही रहा होगा। ये तो माननीय मुख्यमंत्री की आत्मा ही बताती होगी, बहुत कुछ करेंगे वो, पैर छुए है, मंच से भगा दिया गया, सम्राट जी का पगड़ी अभी तक नहीं खुला, तो कुछ तो राज है ना, तो राज को राज ही रहने दीजिए। अंदर खाने कई तरह की चर्चा सरगर्म है। ऐसी अटकलें भी हैं कि पीएम मोदी की जमुई और नवादा जैसी रैलियों में दिए गए नीतीश कुमार के कुछ असहज करने वाले बयान इसकी एक वजह हो सकते हैं, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा। आप कभी इधर उधर नहीं होने वाले, 4000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। अब ये सवाल बड़ा हो चला है कि क्या वाकई नीतीश कुमार के ऐसे बयान ही पीएम मोदी की रैली वाले मंच से उनके गैर मौजूदगी की वजह है। हालांकि इसे एनडीए के नेता खारिज कर रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल एजेंडा सेट करते रहते हैं जिसका कोई मायने मतलब नहीं है। और यह बात बताइए ना कि लालू प्रसाद यादव जी अपनी बेटी के चुनाव प्रचार को छोड़कर अन्य सभी जगहों से क्यों अनुपस्थित है? गैर मौजूद तो हम भी थे उस सभाओं में से, पिछली बार जब हम नहीं आए थे तब तो इन्होंने मुद्दा बड़ा बनाया था। नवादा वाली रैली में प्रधानमंत्री जी के साथ ही ये बैठ के तय हुआ था, जितना हम लोग अलग अलग जाकर ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र हम लोग कवर करेंगे वो उतना ही सबके लिए लाभदायक। बिहार में पहले दौर के लिए औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीट पर प्रचार थम चुका है, बाकी 36 सीटों के लिए प्रचार जारी है। ऐसे में मोदी और नीतीश एक मंच पर फिर कब और कहां साथ दिखेंगे, इसे लेकर चर्चा गर्म है। देखिए पीएम मोदी ने 4 अप्रैल से अब तक बिहार में कुल 4 चुनावी रैलियां की हैं। इनमें 4 अप्रैल को जमुई की सभा में सीएम नीतीश पीएम के साथ मौजूद थे। इसके बाद 7 अप्रैल को नवादा में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ मंच पर साथ थे, लेकिन 16 अप्रैल को गया और पूर्णिया की रैली में सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ मंच पर नजर नहीं आए। इसी के बाद अटकलों का बाजार गर्म है और आरजेडी निशाना साध रही है। यह भी पूछा जा रहा है कि क्या जेडीयू अब नीतीश नहीं सिर्फ पीएम मोदी के करिश्मे के भरोसे है, क्योंकि पूर्णिया में पीएम मोदी की रैली के मंच से नीतीश की गैर मौजूदगी सामान्य बात नहीं लग रही है। पूर्णिया से एनडीए की तरफ से जेडीयू के संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब जेडीयू उम्मीदवार के प्रचार के लिए खुद पीएम मोदी पूर्णिया पहुंच गए तो सीएम नीतीश क्यों नहीं आए? गौर करने वाली बात यह भी है कि पूर्णिया की रैली में मंच एनडीए की जगह सिर्फ बीजेपी का मंच नजर आ रहा था। मंच पर जेडीयू के चुनावी निशान की सिर्फ तस्वीर भर लगी थी, पार्टी का नाम कहीं नहीं लिखा था। सवाल इसलिए भी खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि पूर्णिया में त्रिकोणीय लड़ाई की वजह से पार्टी की चुनौती बढ़ गई है। यहां आरजेडी की बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव मैदान में है, फिर भी नीतीश नहीं पहुंचे, ये भी पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश की गैर मौजूदगी किसी रणनीति का हिस्सा है और क्या ध्रुवीकरण कार्ड की रणनीति के तहत नीतीश ने दूरी बनाई है। सवाल यह भी है कि अगर इसके पीछे कोई रणनीति है तो गया में HAM सेक्युलर के उम्मीदवार जीतन राम मांझी के प्रचार से भी नीतीश दूर क्यों रहे, यह भी सवाल उठ रहा है। खैर ये तो बात बिहार की।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।